इस चैनल से जुड़े रहने के लिए हॉलीवुड हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। जिंदगी और जवानी, दौलत और शोहरत, ये सब वक्त के बहाव में बह जाते हैं। बादशाही ताकत के आंधी तूफान कुछ देर में ही डूबते सूरज के उजाले की तरह गुम हो जाते हैं। हीरे, मोती और जवाहरात लुटाने वालों को भी रंगीन इंद्रधनुष की किरणों की तरह बिखर जाने दो। सिर्फ यही एक आंसू की बूंद, ये ताजमहल रहती दुनिया तक हमेशा चमकता रहे। साल था 1607, जो कि बड़ी तब्दीली का वक्त बनने वाला था। हिंदुस्तान मुगल सल्तनत के मातहत चैन की सांस ले रहा था। शाही मीना बाजार में एक अजीब वाक्या हुआ। यहाँ ऊंचे शाही घरानों के लोग जरूरत की चीजें खरीदते थे। दरबार के सभी अमीर और शाही बहु बेटियां दुकानों के आसपास जुट जाते थे। ये मिलने जुलने का एक मौका था। खुर्रम, बहिश्त में खुश आमदीद। ये तो इन पर्दा नशीनों को एक नजर देखने का छोटा सा नजराना है। ठीक कहते हो आसिफ, ये वाकई इस जगह होने का वाजिब नजराना है। हमारी जंगी तालीम के दौरान तो सिर्फ गुस्सैल से पैसलार और सेनापति ही दिखे, जिन्होंने हमें जंग करना तो सिखाया, दिल फतेह करना नहीं सिखाया। ये सच नहीं है। मैं जानता हूँ हसीनाएं तुम्हें देखते ही तुम पर फिदा हो जाती हैं। वो तुम पर जान नौछावर करती हैं और तुम उन्हें देखते तक नहीं। कुछ देर दिल बहला के वक्त काटने में क्या बुराई है? जो हसीनाएं आसानी से हम पर फिदा होती हैं, वो औरों पर भी तो हो सकती हैं। आसिफ, हमें यह हल्कापन पसंद नहीं। हमारे ख्वाबों की मलका इस जहान में शायद आई ही नहीं जो खुद की इज्जत करे, जो फरिश्ते की तरह मासूम हो और हमसे तहे दिल से इश्क करे, उसे जिंदगी की बाहरी तड़क भड़क से कोई लगाव ना हो। ऐसी होगी जिसे हम दिल देंगे। तब तो इत्मीनान रखो मेरे दोस्त, तुम्हारा दिल तुम्हारे पास ही रहेगा। शायद तुम ठीक कहते हो, हम फरिश्ते की तलाश में हैं और फरिश्ते जन्नत में रहते हैं, जमीन पर नहीं। खुदा हाफिज। हमारे
इतना खूबसूरत है, अफसोस कि ये शहजादा नहीं। कोई बात नहीं, चोट हमें लगी है तो हम भी आपके दोस्त हुए। हमें होश में वापस लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत शर्मिंदा हैं। दर्द हो रहा है ना? जरा भी नहीं। अरे है कैसे नहीं, तुम्हारे जख्म पर हमें पट्टी बांधनी पड़ेगी, वरना ये बिल्कुल भी महफूज नहीं रहेगा। कभी कभी छोटा सा जख्म जिंदगी बदल देता है। जी नहीं, जख्म के साथ लापरवाही ठीक नहीं। खूबसूरत दुपट्टा है। इसकी कीमत क्या होगी? बहुत कीमती है, तुम्हारे जैसा आम सिपाही इसे खरीदने की सोच भी नहीं सकता। हम तुम्हें तोहफे में दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, पर हम इतना कीमती तोहफा नहीं ले सकते। देखो अगर तुमने इसे नहीं लिया तो हम समझेंगे कि तुमने हमें माफ नहीं किया। अगर इससे आपको खुशी होगी तो हम इस तोहफे को हमेशा अपने पास रखेंगे। शुक्रिया। हमारा फरिश्ता हमारे लिए जमीन पर आ गया। आसिफ, हमारे फरिश्ते की कोई खबर? बेहतर होगा तुम उसे भूल जाओ, वो तुम्हारे जैसे मामूली सिपाही की पहुंच के बाहर है। हमारी पहुंच के बाहर क्यों? बताओ भी कौन है वो? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, जान प्यारी है तो उसे भूल जाओ। आसिफ, अगर वो न मिली तो जिंदगी का क्या करूंगा? इतना बता दो कि है कौन। मैंने तुम्हें आगाह कर दिया है, वो अर्जुमंद बानो है, शहंशाह के वजीर आजम आसिफ खान की बेटी है वो। उसके वालिद कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो किसान की बेटी होती तो भी हम उससे प्यार करते। एक अदना सिपाही होकर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उसके ख्वाब देखो, तुम्हें इसका कोई हक नहीं। एक सिपाही को भी मोहब्बत करने का हक है। हाँ शायद तुम ठीक कहते हो, वैसे वो हर सुबह उस्ताद अली खान को सुनने जाती है, तुम उससे वहां मिल सकते हो। शुक्रिया मेरे दोस्त, तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन उस्ताद अली खान के यहाँ तो कई लोग होंगे। फिक्र मत करो, वो सूरज उगते ही वहां जाती है, तब सभी सोए होते हैं, वहां कोई नहीं होता। हैरानी की बात नहीं है कि हमारे फरिश्ते की पसंद इतनी ऊंची है, रात बीत जाने का बेसब्री से इंतजार होगा। उगता हुआ सूरज अपने साथ हमारे फरिश्ते को जमीन पर लाएगा। Thank you.
आधा वर्ष है, कितनी हैरानी की बात है। आप यहाँ? जी, क्या इत्तफाक है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि एक सिपाही मौसीकी से शौक रखता है। क्या आप किसी को गिरफ्तार करने आए हैं? नहीं, कतई नहीं। मौसीकी तो हमारी रूह में है। वाकई? वैसे सिपाही और फनकार में तो एक जैसा कुछ भी नहीं होता। मैं पेशे से सिपाही हूँ, पर पैदाइशी फनकार। मेरा खानदान फन की कदर करता है। दरअसल जब मैं बहुत छोटा था ना, तब मौसीकी सीखा करता था। सितार अच्छा बजा लेता हूँ। मौसीकी तो मेरे खून में है। हमें यकीन नहीं होता। हमने तो सितार सीखने की कितनी कोशिश की, पर अभी तक सीख नहीं पाए। आपने उस्ताद गलत चुना होगा। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपको अच्छी तरह सिखा सकता हूँ। मौसीकी वो फन है जो जज्बात को समा देती है। आपसे सितार सीखकर मुझे खुशी होगी, अगर आप वाकई इतने काबिल हैं। मुझे माफ कीजिए, आपके जख्म के बारे में पूछना भूल ही गई। ओह, अब बेहतर है। मुझे तो ठीक नहीं लगता। आप हकीम साहब के पास नहीं गए? बिल्कुल गया था। उन्होंने कहा कि जख्म भरने में वक्त लगेगा, पर निशान जिंदगी भर रहेगा। यकीनन आपके हकीम काबिल नहीं है। हमारे घर का बना हुआ मरहम लगाने से तो निशान भी मिट जाता है। तो ठीक है, ये तय रहा। मैं आपको सितार सिखाऊंगा और आप बदले में मेरा जख्म ठीक करेंगी। ठीक है, तो देखते हैं हम बेहतर हकीम हैं या आप बेहतर फनकार। जी। आइए फिलहाल उस्ताद जी के हुजूर में चले। अजीजों, जानते हो मैं कौन सा राग गा रहा था? जी नहीं, पर जन्नत से आई अजान लग रहा था। इन्होंने बिल्कुल सही फरमाया, वो जन्नत की तस्वीर थी। आप राग भैरवी गा रहे थे। वाह, तुम खुदा के प्यारे हो। इतनी कम उम्र में मौसीकी से इतना लगाव काबिले तारीफ है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, खुदा तुम्हारी हर तमन्ना पूरी करे। उस्ताद साहब, मैं जानना चाहती हूँ मौसीकी क्या होती है। मौसीकी सब कुछ है। ये जज्बात है, ये इबादत है, खुदा की लौ है, ये जरिया है उसके पास पहुंचने का। और इन सबसे ज्यादा मौसीकी इश्क है। और इश्क, इश्क क्या है? इश्क इबादत, इश्क है
इश्क सफर है, इश्क मुसाफिर, इश्क छिपा है, इश्क हजार है। इश्क गजल है, इश्क तराना, इश्क का जादू सदियों पुराना। इश्क में गुल खिलते हैं या दिल हो जाते वीरान। वैसे हम कितनी जल्दी सितार सीखना शुरू कर सकते हैं? चाहे तो कल से। मरहम लाना मत भूलिएगा, मैं कल शाही बाग में आपका इंतजार करूंगा। नहीं था आप इतने हुनरमंद हैं। हुनर कद्रदान के सामने ही दिखाया जाता है। एक मामूली सिपाही बने रहने के लिए आप पैदा नहीं हुए। हमारी बहुत जान पहचान है, हम आपको शाही दरबार में नुमाइश करने का मौका दिलवा सकते हैं। मेहरबानी, पर यह मेरा मकसद नहीं, मैं सिर्फ सच्चे कद्रदानों के सामने ही बजाता हूं। आइए आपके सितार की तालीम शुरू करें। ये तार सा है, यही शुरुआत है। वो तो ठीक है, पर ये तो बताइए कि एक तार से दूसरे तार पर उंगलियां कैसे जाती हैं? बहुत आसान है, आप सिर्फ मेरे हाथ के साथ साथ चलिए। क्या हो गया, ध्यान ही नहीं लग रहा।
सिर्फ उनका ही ख्याल आता है, बस उन्हीं की याद आती है। ये तो होना ही था, हमारी यही तकदीर है। हम तुम्हें दिलो जान से चाहते हैं, तुम हमारी सब कुछ हो। हमेशा हमारे साथ रहना हमारे सिपाही, हमारी रूह में हो तुम। हम मरते दम तक साथ रहेंगे, और तुम भी वादा करो कि हमसे कभी जुदा नहीं होगी, कभी जुदा नहीं होगी। पर कल हमें तुमसे जुदा होना होगा, हम अपने घर वालों के साथ पहाड़ों पर जा रहे हैं। ऐसा मत करना, इस जुदाई में हम दीवाने हो जाएंगे। तुम्हारी आवाज सुने बगैर, तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखे बगैर हमारी जान हमसे जुदा हो जाएगी। ऐसा मत कहिए, हमने बहुत कोशिश की, पर हमारे घर वाले हमें अकेला नहीं छोड़ते। हम समझते हैं, पर वादा करो कि तुम जल्दी लौट आओगी। आखिरी बार हम तुम्हें जुदा होने दे रहे हैं। तुम दूर रहोगी, पर तुम्हारी मोहब्बत हमेशा हमारे साथ रहेगी। हैं, हम अपने प्यार के लिए जरूर ले जाएंगे। अर्जुमंद, हमारे महबूब को हमारे पास भेजने का शुक्रिया। मुझे अब तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। हमसे ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई। चाहे तुम दूसरी दुनिया में चली जाओ, हम वहां भी तुम्हारे साथ आएंगे।
आपकी मोहब्बत ने हमारी किस्मत जगा दी। आपके बगैर हम बहुत उदास थे। पर एक बात बताइए, आपको कैसे पता चला हम यहाँ अकेले घूम रहे हैं? हमें नहीं मालूम था। हमने सोचा पूरी वादी छानकर आपको ढूंढ निकालेंगे। हम इस नदी के किनारे आपकी याद में खोए बैठे थे जब इन पत्तियों को इश्क के खत बनाने का सोचा। सच्चा इश्क रास्ता ढूंढ ही लेता है। हमने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छा किया होगा जो इस जन्म में हमें आपकी मोहब्बत मिली। मोहब्बत खुदा की देन है। इस जहां की कोई ताकत तुम्हें हमसे जुदा नहीं कर सकती। हमें आपकी बहुत फिक्र है, हमें माफ कर दीजिए। हमने अपने बारे में सच्चाई छिपाई है, वो ये कि हमारा खानदान मुल्क के सबसे ऊंचे लोगों में से है। हमारे वालिद हैं आसफ खान, वजीरे आजम, और बुआ हैं मलिका नूर जहां। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम किसी किसान की बेटी होती तो भी हम तुमसे इतनी मोहब्बत करते। हमारी रूहें मिल चुकी हैं और यही सच्चाई है। सियासत और दौलत हमारे लिए बेमानी है। आपको अपनी जान पर खतरे का अंदाजा नहीं है। खुदा के प्यारे ही इश्क में कुर्बान होते हैं। अर्जुमंद, क्या तुम इस सिपाही से निकाह करोगी? आपका हुक्म सर आंखों पर। अब ये कदम वापस नहीं जा सकते। आप हमारी जिंदगी हैं, हमारी किस्मत है, हम आपके लिए ही बने हैं। अर्जुमंद, हमें उनसे इतनी मोहब्बत है कि उनका ख्याल हमें सोने भी नहीं देता। काश हमारे दिलबर हमारे पास होते। आपने याद किया और हम हाजिर हैं। ये क्या गजब कर रहे हैं? पता है कितनी मुसीबत में फंस जाएंगे आप। खुदा के लिए चले जाइए, हम आपसे सुबह मिलेंगे। हम सुबह तक इंतजार। हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम साथ नहीं चलती। ये रात तुम्हारे साथ खेल उठेगी। हमारे दिलबर को इनकार करना इतना मुश्किल क्यों है? हम आपके साथ जाएंगे अगर आपको इससे खुशी मिलती है। बेइंतहा सुकून। ताज ओ तख्त हासिल करके भी किसी को इतनी खुशी नहीं मिली होगी। ताज ओ तख्त से आपका क्या ताल्लुक? अगर होता तो भी बखुशी छोड़ देता। कल हमारा क्या होगा ये सोचकर भी डर लगता है। कल के बारे में मत सोचो अर्जुमंद। कल का आने वाला तूफान आज की खूबसूरती से छोटा है। खुर्रम, हमें अब और कुछ भी नहीं चाहिए। या खुदा, अब्बाजान, अब्बाजान, आखिर इसका गुनाह क्या है? इस गलीज ने सबसे बड़ा गुनाह किया है जो इसने शाही खानदान से रिश्ता जोड़ने की बात सोची। इस फसाद की हिम्मत कैसे हुई शाही खानदान की बेटियों की तरफ देखने की भी? अब्बा जान, खुदा के लिए। बस, हमें तुम्हारी राय की जरूरत नहीं। इसकी हालत देखकर कोई आम आदमी शाही खानदान के ख्याल से भी दूर रहेगा। इन कमबख्तों को इनकी सही जगह दिखाने का यही तरीका है। ओ,
अच्छा, हमने तो सोचा था ऊंचे लोग ऊंचा बर्ताव करते हैं। या खुदा, इसे कब समझ आएगी? अभी तक बचपना नहीं किया। हमने कहा था ना खुर्रम, हमारे अब्बा कभी नहीं समझेंगे, उन्हें तो मोहब्बत के मायने ही नहीं मालूम। ये घर छोड़कर ही हम तुम्हारे साथ रह सकते हैं। हमारा फरिश्ता रो क्यों रहा है? हमारे अब्बा कभी राजी नहीं होंगे। कल रात ही हमने एक गरीब पर अब्बा के हुक्म से जुल्म होते देखा। उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने ऊंचे खानदान की लड़की से मोहब्बत की। उस गरीब का सब कुछ छीन लिया गया। हमारे अब्बा को प्यार करने वालों से कोई हमदर्दी नहीं। अब इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। हम अपना घर छोड़कर आपके साथ घर बसाने आए हैं। आपकी मोहब्बत पाकर हम खुशकिस्मत हो गए, लेकिन जाने से पहले हम अपने वालिद से मिलकर उनकी दुआएं लेना चाहते हैं। हमारे वालिद बहुत तजुर्बेकार हैं, हो सकता है कि वो हमारी बातें अच्छी तरह से समझ सके। लगता है आप अपने वालिद को बिल्कुल नहीं चाहते, तभी तो उनकी जान पर खतरा मोल ले रहे हैं। उन्हें गिरफ्तार करके दर्जर का भिखारी बना दिया जाएगा। अगर यही उनकी किस्मत है तो यही सही। अगर मेरे वालिद तुम्हारे अब्बा को समझा नहीं पाए तो भी हम बेखौफ निकाह कर लेंगे। सब जानते हैं हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। पता है तू हमसे बेपनाह मोहब्बत करती हो, हम पर यकीन रखो, हमारा वादा है कोई तुम्हें हमसे जुदा नहीं कर सकता। अगर आप हमसे हमारी जान भी मांगे तो बेशक हम बिना हिचक यूं ही दे देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में हम आपके साथ ही रहेंगे। तो सफर शुरू करते हैं। हम तुम्हें अपने अब्बा जान की दुआएं दिलाना चाहेंगे। ये रास्ता तो आगरा जाता है, क्या आपके अब्बा वहां रहते हैं? हाँ, वही रहते हैं। रुकिए, आगे मत बढ़िएगा। क्यों? ये राह शाही दरबार को जाती है। हमारे अब्बा वही काम करते हैं। क्या वो वहाँ क्या दरबान है? नहीं, वो नहीं। खुर्रम, क्या आपको नहीं लगता कि उनसे उनके घर पर ही मिलना बेहतर होगा? घर पर कमी होते हैं, यही मिलना बेहतर होगा। खुदा के लिए वापस चलिए, हमारे अब्बा जान ने देख लिया तो सजाए मौत दे देंगे। वो देखते हैं तो देखने दो, आज नहीं तो कल उन्हें पता चली जाएगा। मौत के वक्त अगर तुम्हारा साथ हो तो कोई तकलीफ नहीं। खुर्रम, होश से काम लीजिए, जान देने से क्या मिलेगा? पहले निकाह कर लेना चाहिए, नहीं तो मारे जाएंगे। अगर हम पर यकीन है तो हमारी बात मान लो। आप पर तो यकीन है, पर आपकी जान को खतरा बर्दाश्त नहीं। हमने कहा था ना यहाँ आना खतरनाक है, हमारी कोई नहीं सुनेगा। बेखौफ रहो, देखते हैं क्या होता है। हाँ।
खुशामदीद हमारे फर्जंद, हिंदुस्तान के होने वाले बादशाह। अब्बा, हम आपको आपकी होने वाली बहू से मिलाना चाहते हैं। यह हिंदुस्तान की मलिका होगी। माफी चाहेंगे, आपको पहले नहीं बताया। लोग हमारी मोहब्बत को झूठ समझते हैं। अगर हम होने वाले बादशाह बनकर आपसे मोहब्बत करते हैं, हमारे अब्बा जान ने सबको ताकीद दी थी कि हमारी असलियत जाहिर ना हो, जिससे हम भी एक मामूली सिपाही की जिंदगी जिए, तभी हम आम लोगों की तकलीफें समझ सकेंगे। और ये कसम सिर्फ शहंशाह ही खत्म कर सकते थे। हमने माफ किया, हमें अच्छा लगा कि हमने मामूली सिपाही के रूप में आपसे मोहब्बत की। हम आप दोनों को दिलो जान से दुआ देते हैं, एक दूसरे के साथ तुम्हारी जिंदगी खुशनुमा हो। तुम्हारे वालिद कौन है मेरी बच्ची? आसफ खान, आपके वजीर आजम। आसफ, आसफ खान, आपको ये सिपाही दामाद कबूल है? हम शहंशाह आलम को क्या जवाब दें? हमारे पास लफ्ज नहीं है। हम इस दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं जिसे इतनी खुशियां मिल गईं। मलिका आलम, आपके लिए खुशखबरी है। खुर्रम अर्जुमंद को अपनी बेगम बनाना चाहते हैं। हमने वो खबर सुन ली है, पर हमें अफसोस है कि हिंदुस्तान के शहंशाह अपना वादा इतनी जल्दी भूल गए। हम समझे नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? अगर बादशाह हमें इजाजत दें तो हम याद दिलाना चाहेंगे कि हमारे निकाह के वक्त आपने ये वादा किया था कि हमारी पहली शादी की औलाद को आप अपनी ही औलाद समझेंगे। हमें अपना वादा बिल्कुल याद है। जवाब दीजिए, हमने कब उसे बुलाया? हमने हमेशा उसे अपनी बच्ची समझा। बेशक समझा है, पर आपका ये फैसला हमें कुछ और ही दिखाता है। आप कहना क्या चाहती हैं? लाडली की सारी तमन्नाएं हमने पूरी की है, आज भी हमारा सब कुछ उसी का है। तो खुर्रम उसे दे दीजिए, वो खुर्रम से निकाह करके मलिकाए हिंदुस्तान बनना चाहती है। क्या आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अब इस फैसले के बाद आप हमें ये बता रही हैं? हमें ये बहुत पहले बताना चाहिए था, अब देर हो चुकी है। हमने कई बार कोशिश की, बहुत सोचा, लेकिन मैकशी और अफीम की लत की वजह से आप कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। आपने तो मुश्किल खड़ी कर दी। हमने भरे दरबार में उन्हें दुआएं दी हैं। हम वादा खिलाफी नहीं कर सकते। आपको अपना एक वादा तो तोड़ना ही होगा मेरे सरताज। आप हमसे क्या वादा तोड़ देंगे? हमने ता जिंदगी आपकी खिदमत की है हुजूर। अपनी हर सांस आपके मुल्क की देखरेख में हमने लगा दी है सरकार, जिससे आप हमेशा अपना दिल बहला सके। हमने कब इनकार किया? पर ये बताइए, खुर्रम ने हमारा क्या बिगाड़ा है? हम उसकी मोहब्बत उससे कैसे छीने? क्या आपको खुर्रम के इरादे दोगले नहीं लगते? वो कैसे बिना आपकी राय और बिना आपसे इजाजत लिए उसे शाही दरबार में ले आया? लड़की को आपसे मुखातिब कर दिया और आपको हाँ कहने के सिवा कोई रास्ता न दिया। हमने भी खुर्रम से प्यार किया, उसकी ताजपोशी के ख्वाब देखे हमने, पर हमें भी उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया। लाडली का क्या होगा? उसे हमारे पहले निकाह की औलाद होने की सजा मत दीजिए। अब बादशाह सलामत, जो ठीक समझे फैसला करें।
आप ठीक कहती है, आपसे वादा तोड़ना गुनाह है। हम खुर्रम से बात करके उसे समझाएंगे। पर अगर उसने आपकी राय ना मानी तो? अगर बाप समझकर राय ना भी माने तो हिंदुस्तान के शहंशाह का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। फिक्र मत कीजिए, आपका ख्वाब पूरा होगा। खुदा ने मेहरबानी की कि अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। आपने आज तक हमसे बहुत झूठ बोला है, अब कसम खाइए कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे। माफी चाहते हैं, हमें लगा हमारी असलियत हमारे बीच दूरी पैदा कर देगी। ठीक कहा आपने, हमें पता होता आप शहजादे हैं तो हमें लगता कि आप हमसे दिल बहला रहे हैं। हमें मालूम है कि शाही खानदानों के बारे में लोगों की राय अच्छी नहीं। वैसे सच कहें तो हमें हमेशा शाही लोग बहुत चालाक लगते हैं। हमारे अब्बा मलिका नूर जहां के सगे भाई हैं, फिर भी दोनों में बहुत दूरी है। हम खुद भी शाही महलों की जिंदगी से वाकई दूर रहना पसंद करते हैं। किसे पता था कि आप अपना दिल इन्हीं महलों के शहजादे को दे देंगी? ऐसा लगता है कि किस्मत को यही मंजूर है। आपके साथ पूरी जिंदगी बिताने के ख्याल से ही हम खुदा के शुक्रगुजार हो जाते हैं। हम आपको हमेशा खुश रखेंगे, कभी आपका दिल नहीं दुखाएंगे, हमेशा आपकी हर तमन्ना चाहे वो जो भी हो पूरी करेंगे। पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही ऐसी तमन्ना होगी जो हम सही वक्त पर बताएंगे। आपकी तमन्ना पूरी होगी, चाहे हमारे खून का आखिरी कतरा या खजाने की आखिरी मोहर भी उसमें लग जाए। आओ, अर्जुमन तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, पर हम इतना कम मिलते हैं। और शाही दरबार के इन जाहिल सियासतदारों के बीच, जिनमें रत्ती भर भी दानिशमंदी या खुशमिजाजी नहीं है, ऐसे रूखे लोगों के बीच जब तुम आती हो तो लगता है जैसे बाहर आ गई है। आपको देखकर खुशी हुई। जानते हैं पर हम माफी चाहते हैं क्योंकि हम उतना वक्त तुम्हारे साथ नहीं बिता पाते जितना चाहते हैं, पर तुम समझ सकती हो, है ना? जी, समझती हूँ। जब से तुम पैदा हुई हो हमने तुम्हें अपना ही समझा है, बिल्कुल अपनी ही औलाद जैसा। हम जानते हैं हर लड़की को माँ की जरूरत होती है, और हम चाहते हैं कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बने, बहुत करीबी दोस्त। तुम्हें हम पर यकीन है ना? जी है। सुनो, आज हम तुमसे एक बहुत ही जरूरी मसले पर कुछ बात करना चाहते हैं अर्जुमन। अच्छा बताओ, क्या तुम खुर्रम को चाहती हो? जवाब दो हमें। चाहती हूँ। या तुम्हें सिर्फ मल्लिका बनने की ख्वाहिश है? जी नहीं, मुझे इसकी कोई चाह नहीं है। कमाल है, अजीब बात है। अगर ये वजह होती तो हम समझ जाते, पर अब समझ नहीं पा रहे हैं। वाकई मोहब्बत करती हो? जी। वो भी चाहता है तुम्हें? जी। यानी तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहोगी? क्यों नहीं? और फिर भी तुम ये खतरनाक रास्ता इख्तियार करना चाहती हो जो उसे बदकिस्मती और परेशानी के सिवा कुछ नहीं देगा? ऐसा क्यों करना चाहती हो तुम? मैं समझी नहीं, ऐसा क्यों होगा? उन्होंने क्या गुनाह किया है? उसने कुछ नहीं किया मेरी बच्ची, तुमने किया है, सिर्फ तुमने। उन लोगों को हम कभी कभी बहुत तकलीफ देते हैं जिन्हें मोहब्बत करते हैं। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ नहीं करोगी। देखो, खुर्रम की मंजिल तय है। रास्ते में आया कोई भी बदलाव उसके लिए दर्दनाक साबित हो सकता है, पर वो तुम्हें चाहता है। उसे साफ नजर नहीं आ रहा, वो सोच नहीं पा रहा, और इसीलिए तुम्हें अर्जुमन, सिर्फ तुम्हें ये करना पड़ेगा। तुम्हें उसे तबाही से बचाने की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी अर्जुमन, और इसके लिए हम तुम्हारी कोई भी आरजू पूरी करेंगे। आप मुझे क्या देंगी?
आप तो खुद मेरी मदद मांग रही हैं। लाडली, लाडली, फिक्र मत करो, तुम्हें खुर्रम से निकाह करोगी और हिंदुस्तान की मल्लिका बनोगी। पर खुर्रम तो सिर्फ अर्जुमन से इश्क करते हैं। खुर्रम के इश्क की हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन निकाह वो तुम्हीं से करेगा। खुर्रम जानता है उसे हमसे मिलने आज यहाँ आना है, पर जब वो आएगा तो तुम उसे मिलोगी, मैं नहीं। अपनी अदाओं से उसका दिल जीत लेना मेरी बच्ची, आज उसे हमेशा के लिए काबू कर लेना। लाडली बेगम, मलिका साहिबा कहाँ हैं? वो मसरूफ हैं। उनसे कहिएगा हम बाद में आएंगे। पर हमें आपसे बात करनी है। आप हमसे क्या बात करना चाहती हैं लाडली बेगम? हमें बेगम बुलाते हैं, बेगम बीवी को कहते हैं, पर आप समझते ही नहीं। लाडली, हमारी बात सुनिए। सुन तो रहे हैं। देखिए, आपको जो चाहिए उसके लिए हमारी जरूरत नहीं है। हम किसी और से मोहब्बत करते हैं। उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? हम आपके साथ उनकी बात नहीं करना चाहते। क्या हम खूबसूरत नहीं? लाडली, हट जाइए। अबाजान, आपने हमें याद किया, क्या हुक्म है हमारे लिए? हमने तुम्हें अपने लखते जिगर और हिंदुस्तान के वली अहद की हैसियत से बुलाया है। इस नाते तुम्हारे भी कुछ फर्ज बनते हैं खुर्रम। हम समझ नहीं पा रहे, हम मुल्क के लिए अपने फर्ज बखूबी निभाते हैं। हाँ, फर्ज तो तुम निभाते ही हो, पर बादशाह की तरफ भी तो तुम्हारे अदब बनते हैं। मुझे बताइए कि मैं बादशाह के अदब को कैसे भूला? आप वली अहद हैं, आप सिर्फ मोहब्बत के लिए निकाह नहीं कर सकते। शहंशाहों के निकाह से रुतबा और सियासत बढ़ने चाहिए। हमने आपकी काबिलियत पर यकीन करके आपको वली अहद बनाया। हमारी ही वजह से आप इस अजीम मुल्क के होने वाले बादशाह हैं और आपकी बेगम होने वाली मलिका। आप कहना क्या चाहते हैं? अर्जुमंद अच्छी है, पर हमारी राय में वो मलिकाए हिंद बनने लायक नहीं। दरबार में क्या आपकी दुआएं फरेब थी, झूठी थी? आपको भी किसी के जज्बात के साथ खेलने का हक नहीं है। हमने सोचा था बादशाह अपने वादे तोड़ते नहीं। माफ कीजिए, यह बहाना हमें मंजूर नहीं। इस फैसले को बदलने की सही वजह बताइए। हमने मलिका का ताज किसी और को देने का वादा किया था, हमें उसे निभाना है। तो आप लाडली बेगम की बात कर रहे हैं जिसमें जरा भी इखलाक नहीं? आप एक सियासत की भूखी लड़की को मलिका बनाना चाहते हैं? आप अपनी राय जाहिर कीजिए, मलिका नूर जहां की नहीं। उनके बारे में अदब से बात करो, मत भूलो कि तुम बादशाह से बात कर रहे हो। हमारा ये हुक्म है कि तुम लाडली से ही निकाह करो, मुल्क की मलिका सिर्फ हमारी पसंद की होगी। आपने दुरुस्त फरमाया, अगली मलिका आपके पसंद की होगी, पर वो हमारी बेगम नहीं होगी। अपनी मोहब्बत के लिए हम शहंशाह होने की ख्वाहिश भी छोड़ते हैं। तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। बादशाह होने का मतलब जानते हो? जानते हैं, लेकिन बादशाह अगर आप जैसे कमजोर हो तो हमें उसकी कतई चाह नहीं। क्या मतलब?
हमारे अब्बा ने धोखा दिया। क्या? वो एक बार फिर नूरजहां की चाल में फंस गए और ये कहकर इनकार कर दिया कि हमारे निकाह के लिए उन्होंने नूरजहां से कोई वादा किया है। वो आपसे चाहते क्या हैं? यही कि हम तुम्हें छोड़कर लाडली बेगम से निकाह करें। वो नूरजहां की पहली शादी की औलाद है। वो चाहते हैं कि लाडली हमसे निकाह करके अगली मलिका बने। तो खुर्रम आपने क्या कहा? कह दिया अगर वो लाडली को अगली मलिका बनाना चाहते हैं तो हम अगले बादशाह नहीं होंगे। हमने वली अहद बनने से इनकार कर दिया। अब हम हिंदुस्तान के होने वाले बादशाह नहीं। कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। आपने हमारे लिए हिंदुस्तान का ताज ठुकरा दिया। ये तो सिर्फ हिंद का ताज था। तुम्हारे लिए हम जन्नत भी ठुकरा सकते हैं। ओ खुर्रम, आपकी मोहब्बत तो मेरे लिए नायाब है। वली अहद तो गया पर तुम्हारा सिपाही वापस आ गया। चलो कम से कम अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा। गलत फहमी में हो मेरी बच्ची। हमें अपने आदमी से खबर मिली है कि लाडली का निकाह शहंशाह के छोटे बेटे शहरयार से तय हुआ है और उसे ही वली अहद बनाया गया है। अच्छी बात है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है मेरे बच्चे, फर्क पड़ता है। उन्हें पता है सारी फौज तुम्हारे साथ है और पलक झपकते ही वो बगावत में तुम्हारा ही साथ देगी। आम आदमी भी तुम्हें अपना आने वाला बादशाह ही मानता है। आवाम हमें प्यार करती है, कोई गुनाह तो नहीं? इसमें हमारी क्या गलती है बताइए? नहीं नहीं है, पर नूरजहां जानती है कि शहरयार कमजोर है और तुम उसे किसी भी वक्त हरा सकते हो। बेटे खबरदार रहो, बहुत बड़ी साजिश हो रही है तुम्हारे कत्ल की। अब्बा ऐसा मत होने दीजिए। अब्बा हम इनके बिना मर जाएंगे। मेरी बच्ची, हम इनकी हिफाजत दिलो जान से करेंगे। न सिर्फ ये हमारे होने वाले दामाद हैं बल्कि यही बादशाह बनने लायक भी हैं। यही इस मुल्क को बचा सकते हैं। खुर्रम मेरे अजीज, तुम दोनों ध्यान से सुनो। यहां से चले जाओ, दूर पहाड़ों पर निकाह कर लो और तब तक वहीं रहो जब तक हालात ठीक ना हो। हम आपकी इज्जत करते हैं पर कायर नहीं कि भाग जाएंगे। खतरों से खेलना हमारी आदत है। सवाल कायर होने का नहीं है। आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं, हमारी भी है। आपने वादा किया था हमारे लिए कुछ भी करेंगे। खुदा के लिए अब्बा की बात मान लीजिए। आप परेशान ना हो, जैसी आपकी मर्जी। हम सुबह पहाड़ों के लिए निकल जाएंगे। वहाँ दर्रे के पास बादशाह सलामत, वो सबसे ऊंची है, सिपाहियों के लिए ठीक है, मीलों तक कुछ भी नहीं। बस यहाँ एक सुरक्षा चौकी बना देंगे। ये जगह अच्छी है, हर तरफ चढ़ने की मुश्किल, बेहतर है, बचाव कर सकते हैं। हम महलों में पले बढ़े, ऐशो आराम, दालान, हवेलियां हमें बांध नहीं पाए, पर बुरे भी नहीं लगे, उनसे बहुत दिन दूर भी नहीं रह पाए, लेकिन फिलहाल यही घर बनाते हैं। आपको एक बहुत बुरी खबर देनी है आलमपना।
क्या हुआ? खुर्रम ठीक तो है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इतना कि आपकी शिकस्त के लिए बगावत पर उतर आया है। आसफ खान ने आपका तख्त पलटने की साजिश की है, वो आपको सबक सिखाना चाहते हैं। इनकी जुर्रत कैसे हुई जहांगीर को ललकारने की? हम उन्हें कुचल देंगे, चाहे हमारा बेटा भी उनमें शामिल क्यों ना हो। खुर्रम जानता है कि वो आपकी कमजोरी है और आप उसे कभी सजा नहीं दे सकते अलीजा। बाप बेटे को सजा नहीं देगा पर बादशाह दे सकता है। हम हिंदुस्तान के शहंशाह खुर्रम को शाही मुजरिम करार देते हैं, उसे गिरफ्तार करके हाजिर किया जाए फौरन। अर्जुमंद, फौज और महावत खान हमें ढूंढ रहे होंगे, जब तक हम छुपे रहेंगे ठीक रहेंगे, शायद हमारी वापसी में कई साल लगे, अगर वापसी हुई यही हमारी तकदीर है, तुम्हारी भी यही हो जरूरी नहीं। जब हम आपसे मिले आप सिर्फ मामूली सिपाही थे, आम आदमी, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके ओहदे से नहीं। हमें नूरजहां के लोग कत्ल भी कर सकते हैं, हमें शाही मुजरिम करार दिया गया है बिना किसी कसूर के। आपके साथ रहने की कीमत अगर गम है तो हमें मंजूर है, और आपकी नजरों में हमारे लिए मोहब्बत देखना हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। आप हमारे साथ इतने खुश हैं कि आपको होश भी नहीं कि आपकी हालत कितनी बदतर है। आपका साथ है तो हमें कोई गम नहीं, आपके बगैर जिंदगी मौत से भी बदतर होगी। फिर हमें इंतजार करने की जरा भी जरूरत नहीं। अर्जुमंद, तुम्हारे अब्बा के पहुंचने का और इंतजार करते हैं, वही तुम्हारे हाथ में मेरा हाथ दें यही कायदा है, हमें उनकी दुआ चाहिए। हमें यकीन है अब्बा किसी मुश्किल की वजह से अब तक नहीं आए, हम पर उनकी दुआएं हैं, वो चाहेंगे हम जितना जल्दी हो सके निकाह कर लें। जैसी तुम्हारी मर्जी। मौलवी साहब रस्म शुरू कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिन अन्फुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना, मन यहदिल्लाहु फला हादिया लहु व मन युदलिलहु फला हादिया लहु, व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हुदा व बशीरन व नज़ीरा, आमनु बिल्लाहि व रसूलिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि ला नुफज्जिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिहि, व कालू समीना व अतैना गुफ्रानका रब्बना व इलैकल मसीर, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत। आप अर्जुमंद से निकाह कर रहे हैं, क्या आपको ये मंजूर है? मंजूर है। मंजूर है? मंजूर है। मंजूर है? मंजूर है। मालिका साहिबा, मालिका नूरजहां ने आपके वाली साहब को नजरबंद कर दिया है, उन्होंने आप दोनों के लिए दुआएं भेजी हैं, उनके वफादार आप तक उनकी खबर पहुंचाते रहेंगे। खुदा अब्बा जान की हिफाजत करना, अब बस वो आपके ही हाथों में हैं। फिक्र ना करें, हम जान देकर भी उनकी हिफाजत करेंगे, उन्हें कोई छू भी नहीं सकता, उन्होंने सही वक्त आने तक आपको सब्र करने की सलाह दी है। हम नूरजहां को तबाह करके छोड़ेंगे
उसने एक बाप को बेटी से दूर किया, बाप और बेटे में दुश्मनी करवाई, वतन परस्त को बागी करार दिया। खुदा कसम उसे उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। मलकायालिया, वो बहुत बड़ा इलाका है, उन्होंने जगह बहुत देखकर चुनी होगी या लगातार जगह बदल रहे होंगे। हम सब्र करें, यही बेहतर रहेगा। उसकी वापसी सिर्फ बगावत और तबाही लेकर आएगी, पर हमें उसे रोकना होगा। हमारे पास आसफ खान है और हमारी फौज है, उन्हें ढूंढते रहो, सारे तरीके इस्तेमाल करो। सुनो, और कभी कभार तो अच्छी खबर लेकर आया करो। जो हुक्म मलकायालिया। अर्जुमंद कहाँ है, देखा है उन्हें? जी नहीं, वो खेमे में ही होंगी। इतनी लापरवाही कैसे की, वो वहां नहीं है। जान का अमान हो अली जहां, मुझे भूख लगी थी, मैं जाकर अभी तलाश करता हूँ। नहीं, तुम यहीं रुको, अगर वो नहीं मिली तो दोबारा खाना खाने के लायक नहीं रहोगे। अर्जुमंद, इस तरह बाहर घूमना खतरनाक है, तुम जानती हो हमें दरबार का मुजरिम बताया गया है। खुर्रम, हम यहाँ ताज़ा पानी लेने आए थे, ये इतना ठंडा और पुरसुकून है। एक बूढ़े बाबा ने बताया कि इस नहर का पानी तुम्हें सर्दी और जुकाम से निजात दिलाएगा, ये लीजिए। पर तुम्हें इस तरह नहीं आना चाहिए, तुम्हें कुछ हो जाए यह ख्याल भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम्हारी जुदाई तो कतई नहीं। ओ खुर्रम, हम वादा करते हैं अब हम अकेले कहीं नहीं जाएंगे। खुर्रम और अर्जुमंद के बहुत प्यारे बच्चे हुए। वक्त के साथ साथ उनके दोनों बेटे औरंगजेब और दारा 4 और 6 साल के हो गए। खंडरों में रहकर भी वो सब खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन किस्मत को उनकी खुशी मंजूर नहीं थी। मल्लिका नूरजहां को अब भी खुर्रम की वापसी का खौफ था।
कितने खूबसूरत बच्चे हैं, यकीनन किसी ऊंचे खानदान के लगते हैं। गुस्ताखी माफ हुजूर, आपका ख्याल गलत है, इनके वालिद साहूकार हैं। इनके खुशकिस्मत वालिद से मिलने की तमन्ना है, क्या पता हमें उनसे कुछ खरीदना हो। वो दौरे पर हैं हुजूर, और एक हफ्ते बाद ही लौटेंगे। बहुत बड़े आदमी होंगे। नहीं सरकार, वो तो एक मामूली सौदागर हैं, और आप अपना कीमती वक्त उन पर जाया मत कीजिए हुजूर। हमें इतना बेवकूफ समझते हो तुम? एक मामूली सौदागर के पास बच्चों के पहरेदार रखने के लिए पैसे नहीं हुआ करते। अब अगर बेहतर लग रहा हो तो सच्चाई बताओगे? मैंने सब सच ही बताया है। खबरदार उसे छुआ तो हमारे अब्बू तुम्हें मजा चखा देंगे। लेकिन यह हमें आपके अब्बू का नाम नहीं बता रहा, हमें मजबूर कर रहा है। शायद वो हमारे दोस्त हो। हम हिंदुस्तान के राजकुमार हैं और हमारे वालिद वली अहद खुर्रम हैं। वाह वाह, हमने यही सोचा था। ऐसी खूबसूरती और बहादुरी सिर्फ उन्हीं की हो सकती है। इन्हें छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा। गलत कहा तुमने। अगर इन्हें छोड़ दिया मलिका हमें जान से मरवा देंगी। इतने सालों की तलाश के बाद मिले हैं। मलिका अपने रिश्तेदारों से मिलकर बहुत खुश होंगी, और अब खुर्रम इनकी जान की भीख मांगने वहां आएगा, और मलिका के कहर से उसे खुदा ही बचाए। अब चलो। बच्चे कहाँ हैं? हमें उनकी जान का खौफ है। फिक्र मत करो, वो जल्दी घर लौटेंगे। मासूम बच्चों को नुकसान कोई नहीं पहुंचाएगा। हमारे जानिसार उनकी हिफाजत दिलो जान से करेंगे। हुजूर! बोलो, हमारे बच्चे कहाँ हैं? क्या हुआ? मलिका, नूर जहां ने उन्हें अगवा कर लिया है। वो पहरेदारों का खून करके निशात के ऊपर खेमे में गए हैं। वो चाहते हैं उनकी जिंदगी के बदले में आप शिकस्त कबूल करें। खुर्रम, हमारे बच्चों को बचाइए, हम उनके बिना नहीं जी सकते। वादा है उन्हें वापस लाऊंगा। नूर जहां के गुनाहों का पर्दाफाश करना ही होगा। नहीं, हम आपको मौत के मुंह में नहीं जाने देंगे। हम आपको खो नहीं सकते। हम आपको तहे दिल से चाहते हैं, और अपने बेटों को तो अपनी जान से भी कहीं ज्यादा। जब तक हम जिंदा हैं उन्हें कुछ नहीं होगा। हम न सिर्फ उन्हें वापस लाएंगे बल्कि नूर जहां के तख्त को पलट देंगे। जान की खैर चाहते हो तो बताओ हमारे बच्चे कहाँ हैं? खता माफ सरकार, हमसे मलिका साहिबा ने ये कुफ्र करवाया है। महावत खां बच्चों को मलिका के पास ले गया है सरकार। अब बजाने सरकत के बारे में जानते हैं? वो आखिरी सांसें ले रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि मलिका रियाया के साथ क्या कर रही हैं। सच्चाई जाने बगैर अब्बा जान नहीं जा सकती। हमारी गैर हाजिरी में आप ये ख्याल रखते हैं अपना? हम कितने दिनों बाद मिले, इतनी जल्दी मत जाइए।
हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया। हमारा आखिरी वक्त आ गया और तुम्हारे सिवाय किसी को परवाह नहीं। तुमने यहां आकर जान पर जोखिम उठाया, तुम्हारे बीवी बच्चे कैसे हैं? अर्जुमंद बहुत परेशान है, नूरजहां ने हमारे बच्चों को अगवा कर लिया है। उन्हें पता है मैं यहां आऊंगा तो मुझे कत्ल करवा देंगी। वो लाडली को मलिका बनाना चाहती हैं। नूरजहां का यह हुक्म मानने की किसने जुर्रत की? क्या वो भूल गए हम अब भी शहंशाह हैं? नूरजहां को गिरफ्तार। हम मौत से पहले अपने पोतों से मिलना चाहते हैं और नूरजहां शहजादे खुर्रम के दरबार में हाजिर होगी। मलिका आलम, आलीजा पहुंच गए। कहां है वो? बस रास्ते में ही है। हमारे बच्चे कहां है खुर्रम? कहां है वो? उन्हें कुछ नहीं हुआ मेरे फरिश्ते, मुजरिमों को सजा मिल गई है। या अल्लाह, हमारे बच्चों को बचाने का शुक्रिया। खुर्रम, हमें बच्चों के पास ले चलिए। वो अब्बा जान के पास हैं और अब्बा कुछ ही देर के मेहमान हैं। तुमसे मिलकर दुआ देना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं। हमारे अब्बा कैसे हैं? वो अब भी वजीर आजम हैं। अब सब ठीक है, काली रात बीत गई। अब्बा चाहते हैं हम वापस दरबार लौट जाएं। पर हम यहाँ कितने खुश हैं खुर्रम, दोबारा उस चालाकी की दुनिया में क्यों जाएं? कितनी भी तकलीफें या मुश्किलें आई हों, अब तक हम यहाँ बहुत खुश रहे हैं। फिर हम दोबारा वहाँ क्यों जाएं खुर्रम, जहाँ हमें साथ रहने तक की इजाजत नहीं मिली थी? उनका यकीन कैसे करें? हम मिन्नत करते हैं खुर्रम, हम हमेशा बस यहीं रहना चाहेंगे। यहाँ हमें खुदा से कई सौगातें मिली हैं। खुर्रम, हम सिर्फ इतना ही मांगते हैं आपसे। हमें पता है, पर हमारे मरते हुए अब्बा ने हमारे मुल्क की सियासत संभालने की गुजारिश की है। हालांकि उन पर नूरजहां का काबू था, फिर भी वो मेरे वालिद हैं, उनका हक उन्हें देना ही चाहिए। अगर आपकी यही राय है तो आपके साथ जाना हमारी खुशकिस्मती होगी खुर्रम। पर आप हमसे वादा कीजिए कि हमारी ये छोटी सी दुनिया कभी नहीं बदलेगी। जब तक तुम हमारे साथ हो कुछ नहीं बदलेगा मेरे फरिश्ते। चलो अपना फर्ज पूरा करें, तुम्हें इस फैसले पर मराल नहीं होगा। हमें माफ कर दो मेरी बच्ची, आज से तुम हिंदुस्तान की मलिका हो। अब से तुम मुमताज महल यानी महल की शान कहलाओगी। खुर्रम जी। अब्बा, तुम शाहजहां कहलाओगे, दुनिया के शहंशाह। अब्बा, हम सब यहां आपके साथ हैं, जल्दी अच्छे हो जाइए, हमें आपकी दुआएं चाहिए। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ। अब्बा, 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 तुम्हारी सारी खताएं मुआफी के काबिल नहीं। तुमने हमारे साथ ही नहीं अपनी भतीजी के साथ भी जुल्म किए हैं। तुम्हारा फैसला मलिका करेंगी। मलिका आलम,
मुझे माफ नहीं किया जा सकता, तो मेरे लिए सजाए मौत का हुक्म जारी करें। तुमने शहंशाह को गलत राय दी, बाप से बेटे को जुदा किया, बेटी को बाप से और बच्चों को माँ बाप से। सच्चे इंसान को बागी करार दिया। माफ कर दीजिए मुझे, तख्त के लालच में मैं अंधी हो गई थी। मैं इस जिंदगी से निजात चाहती हूँ, मुझे अपने आप से नफरत हो गई है, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आंख के बदले आंख हमारे इंसाफ का तरीका नहीं, पर कभी हमने आपको अपना बुजुर्ग माना था, लेकिन दूसरों को सबक देने के लिए हम आपको सजा देते हैं, उम्र कैद की। आप अपने ही कमरे में ता जिंदगी कैद रहेंगी। आप वाकई मलिका आलम हैं, हमें आप पर फख्र है। मुल्क की रियाया अपने नेक बादशाह और मल्लिका से बहुत खुश थी। मल्लिका अर्जुमंद 2 महीने में दोबारा माँ बनने वाली थी, पर वो परेशान थी क्योंकि खुर्रम जंग पर जाने वाले थे। अब तक वो साय की तरह उनके साथ रही थी। खुदा के लिए मत जाइए, हम इस हालत में अकेले नहीं रह सकते। अर्जुमंद, ये जंग मुल्क के लिए बहुत जरूरी है, अगर हम नहीं गए तो तुम्हें भी शर्मिंदगी होगी। हमारा बच्चा 2 महीनों में आएगा, हम 2 हफ्तों में आ जाएंगे। हमें आपकी बहुत याद आएगी। हमें भी तुम्हारी याद आएगी। आलीजा, आपके लिए मलिका का संदेश है। क्या बात है? मलिका याले आपके पीछे मुहिम पर आई हैं, उनके खेमे पास ही हैं। वो जुदा नहीं रह पाई, हम अभी जाकर उनसे मिलेंगे। आलीजा, आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं, सुबह तक इंतजार करना चाहिए। हमें जाना ही है, पर ये फौज से छुपा कर रखना, वरना हमें यहाँ नहीं देख कर सब घबरा जाएंगे। अभी नहीं मल्लिका। ओह या खुदा, क्या हुआ होगा? शहर में रहना चाहिए था मल्लिका आलम, इस हालत में आपका यहाँ होना ठीक नहीं। हमें पता है क्या करना है। नहीं, उठिए मत मल्लिका, आराम कीजिए। हमें खुद उन्हें ढूंढना चाहिए, बहुत दूर है, उन्हें जरूर कुछ हो गया होगा, वरना वापस आ जाते। हमें वहां जाना होगा, हमें वहां ले चलो। नहीं, अगर आपने आराम नहीं किया तो आपके और बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। हाँ।
हम रास्ता भूल गए हैं, ये दुश्मन का इलाका है, दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, चलो। बादशाह हुजूर की कोई खबर नहीं, हो सकता है मारे गए हों। या खुदा, ये उन्हें कैसे बताऊं? वैसे ही वो इतनी परेशान हैं, कुछ देर और रुक नहीं सकते। 6 घंटे हो गए, उन्हें बताना ही होगा। तो क्या कहा उसने? चुप क्यों हो तुम? जवाब क्यों नहीं देती? जवाब क्यों नहीं देती? हाँ नहीं, ये नहीं हो सकता, हमारे खुर्रम को कुछ नहीं हो सकता। देर नहीं कर सकते, इन्हें लेटा दो जल्दी। शुक्रिया, आप सलामत हैं। रात भर से हम आपको ढूंढ रहे थे आलिजा। मलिका हुजूर को शहजादी हुई है। ये तो अच्छी खबर है, ये बच्ची वक्त से पहले आ गई। या खुदा, अर्जुमंद कैसी है? बहुत कमजोर हो चुकी हैं। इस बच्ची को जन्म देने की उनकी हालत नहीं थी, उनके पास वक्त कम है। शुक्र है आप महफूज हैं। हमें छोड़कर मत जाओ, मत जाओ। अपना और बच्चों का ख्याल रखिएगा। इतनी जल्दी साथ छोड़ रही हूं। ऐसा मत कहो, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। नूरे नजर, यही तकदीर है, इस पर किसी का जोर नहीं चलता। खुदा का शुक्र है मुझे आपकी मोहब्बत मिली। आपके साथ बिताए हर पल में हमें जिंदगी की खुशी मिली। हमारे जाने के बाद भी हमारा प्यार आपके साथ रहेगा और वो हर जगह मौजूद रहेगा। हम तो जा रहे हैं पर हमारी रूह आपके साथ रहेगी। ऐ खुदा, हमारी जान ले ले, मुल्क ले ले, सब कुछ ले ले, पर मेरे फरिश्ते को बचा ले। खुदा की यही मर्जी है, आप हमें नहीं बचा सकते, पर हमारे मोहब्बत की यादगार तो बचा सकते हैं। याद है आपने हमारी एक आरजू पूरी करने का वादा किया था, अब वो वक्त आ गया है खुर्रम। आखिरी सांस तक मैं उसे पूरा करूंगा। तो हमारी मोहब्बत की
खूबसूरती और पाकीज़गी की एक यादगार बनाइए। ऐसी जगह जहाँ सदियों तक लोग हमारी मोहब्बत को याद करें। अलविदा मेरे सिपाही। अर्जुमंद, 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 आलीजा, रियाया आपके बारे में परेशान है। वो हमारी भी बेटी थी। अर्जुमंद रियाया से बहुत प्यार करती थी। अगर जिंदा होती, आपको मुल्क से दूर होते देखकर उसे तकलीफ होती, उसकी खातिर बाहर निकल लिए। माफी चाहते हैं, हमने आपकी बेटी खो दी। हमारी बेटी खुशकिस्मत थी, उसे आप जैसा खाविंद मिला। ताज को बने 300 साल हो गए, पर उसके संग तराश का कोई पता नहीं। ताज को बनने में 22 साल लगे।
साल बीतते गए और खुर्रम बुजुर्ग हो गए। मुल्क की सियासत के लिए जंग छिड़ गई। हैरानी की बात है कि दो प्यार करने वालों के बच्चे इतने खूंखार और मतलबी निकले। खुर्रम दारा को शहंशाह बनाना चाहते थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करके औरंगजेब के सामने पेश किया गया। आपके साथ रहम कैसे करूं जबकि आप अपने चहेते बेटे दारा को शहंशाह बनाना चाहते हैं? दारा बेहतरीन शहंशाह बन सकता था। अर्जुमंद ने ठीक कहा था, दरबार वापस जाकर सियासत से मत जुड़िए। किस मुंह से उसे बताऊंगा हमारे बच्चे कितने खौफनाक बन गए हैं। बेटा, एक एहसान करोगे मुझ पर, हमें कत्ल करवा दो। अर्जुमंद राह देख रही होगी। आप हमारे वालिद हैं, हम आपको कत्ल नहीं करवा सकते, पर इंसाफ सबके लिए एक ही होता है। हम आपको उम्र कैद देते हैं। देखो, हमारी एक बात मानोगे, हमें ऐसी कैद में रखना जहां से हम ताजमहल का नजारा करते रहें बेटे आखिरी सांस तक। जैसा आप चाहें। अर्जुमंद ये देखकर बहुत खुश होती कि तुम बिल्कुल उसके जैसी हो। तुम हमारी मोहब्बत का सही अंजाम हो। तुम अपने बूढ़े बाप की परछाई हो। आपकी खिदमत में बिताया हर पल हमें नेमत लगता है। अब्बा जान, आपकी तबीयत ठीक नहीं? जहां रहा हमारी मौत के बाद हमें ताजमहल में ही दफनाना, अर्जुमंद के पास। हम तुम्हें एक फरिश्ते की कहानी सुनाते हैं। ऐ खुदा, मुझे दे पता मेरे महबूब का। ऐ खुदा, मुझे दे पता मेरे महबूब का। है तुझसे ये इल्तिजा, मुझे उसके पास ले जा। है तुझसे ये इल्तिजा, मुझे उसके पास ले जा। ऐ खुदा, मुझे दे पता मेरे महबूब का। ऐ खुदा, मुझे दे पता मेरे महबूब का। है तुझसे ये इल्तिजा, मुझे उसके पास ले जा। है तुझसे ये इल्तिजा, मुझे उसके पास ले जा।
जुदा रह जाएंगी बस यादें यहाँ यादें यहाँ। आप एक दूसरे के लिए ही बने थे। अब्बा अब्बा सफर यूं बिछड़ गया उसने अपनी बुझती हुई रोशन शमा से वादा किया की जिंदा निशानी है ये सदियों पुरानी कहानी है ये ताजमहल की बाज़बानी है ये कहानी है ये निशानी है ये।